किसान भरावो आने वाली तीन अप्रैल सरसेच फसल मुआवजे की मांग को लैके दुष्यंत चौटाले की कोठी सामने धरना लाया जा रहा है। यह धरना फसल मुआवजे की मांग को लैके लाया जा रहा है। सारे किसान भरावों को बेनती है कि 3 अप्रैल 11 बजे शहीद भगत सिंह स्टेडियम आप इकट्ठे होवांगे। जिवें पंजाब की सरकार वालों 10 दिन मुआवजा देने का ऐलान होया पर साडी हरियाणा की सरकार वालों हजे इदां दी कोई राहत नहीं दित्ती जा रही। अजे 15 अप्रैल तक गिरदावरियां दे आदेश ने जबकि जिन्हां किसानां दी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है, खेत खाली हो चुके, उन्होंने अगली फसल की बिजाई करनी है, तो इस करके मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। इस मंग नूं लैके आपां आने वाली 3 तरीक नूं शहीद भगत सिंह स्टेडियम सरसा इकट्ठे होने जा रहे हैं। सारे भरावों नूं बेनती है भी सानूं किसानां दी मदद वास्ते, उन्होंने हक च हाह दा नारा मारन वास्ते 3 अप्रैल नूं सरसे शहीद भगत सिंह स्टेडियम 11 बजे पहुंचना चाहिए। इस होर भी कई इशू ने, एक कहा जा रहा भी 5 एकड़ तक ही मुआवजा दिता जाऊगा, ये राणिया के तहसीलदार का बयान है, अखबार छपया होया। तो असी कहते सारे जिन्ना नुकसान है नुकसान की भरपाई की जाए, इसलिए जरा कपाह का बी आ रहा वो तो कालाबाजारी की जा रही है, सरों जी MSP से नहीं खरीदी जा रही, सरपंचा के अधिकारों से हमला, ये तमाम मुद्दों लैके असी आने वाली 3 अप्रैल सरसे च दुष्यंत चौटाले की कोठी के सामने धरना लाने जा रहे हैं। तो सारे किसान भरावों को बेनती है भी आने वाली 3 तरीक न ज़्यादा तो ज़्यादा संख्या तुम सरसे शहीद भगत सिंह स्टेडियम पहुँचो ता कि असी अपनी मुआवजा लै सकी, नहीं तो सरकार आने वाले समय च ये मई जून कह रही है हरियाणा की सरकार मुआवजा देने लिए, पर मई जून तो भी लटकाएगी तो सानू संघर्षा का राह अपना के अपने हक लैने पैणगे। इस करके सारे भरावों को बेनती है भी आओ 3 तरीक न असी हर हाल मुआवजा सरकार तो लवेंगे। तो मेरी इस वीडियो में भी शेयर कर दो ताकि ज्यादा लोगों तक ये गल जाए। सारे जिन्हें भी मित्र वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सारे दोस्तों को बेनती है भी आने वाली 3 तरीक न शहीद भगत सिंह स्टेडियम सरसा पहुँचो।